लेकिन भैया एक इंटरेस्टिंग सवाल सोशल मीडिया पर गूंज रहा है, भैया तीन को तो चले गए, सबसे पहले मनोज जी चले गए, रवि जी चले गए, पीछे से निरहुआ जी चले गए, जैसे जैसे लाइनिंग में आए थे इंडस्ट्री में वैसे वैसे वो चले गए, लेकिन अब इंडस्ट्री में बचे कौन? भाई नेता बनने की प्रक्रिया में तो और भी हैं, अब कौन लग रहा है इंडस्ट्री में, अब किसका नंबर हो सकता है? आप कहीं ट्राई तो नहीं मार रहे हो, या फिर पवन सिंह हैं, खेसारी जी हैं, क्योंकि ये लोग सीनियर कलाकार हैं, क्या लग रहा है, आप कैसे देख रहे हैं अब इंडस्ट्री से कौन कलाकार जाने वाला है? क्योंकि बीजेपी में भाई हर कोई जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि अब कोई कलाकार है क्या, कुछ एक और संन्यास लेने की पद पर रहेगा या फिर? अभी ऐसा कुछ ओपन हुआ नहीं है, अब देखिए समय के अनुसार सब होगा ओपन, अभी कुछ ऐसा भी नहीं रहा है, लेकिन मौका मिलेगा तो कुछ बढ़ेगा भी नहीं, अगर सेवा करने का मौका मिलेगा देश का जहाँ से भी चुनाव लड़ने का होगा, जनता जनार्दन के हाथ में, उनका इच्छा होगा जब, हम लोग तो उनकी बल पे चलते हैं ना, तो वो लोग चाहेंगे तो बहुत सारे लोग हैं लाइन में। हाँ नहीं, खास करके पवन जी तो ऑफिशियली बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं और अब चुनाव प्रचार में करते हैं। हाँ। आप भी कुछ ज्वाइन करने वाले हैं क्या, आप भी कुछ ऐसे बात हो रही है क्या, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि भाई सब स्टार पार्टी को ज्वाइन करते हैं, आप भी कुछ ऐसा करने वाले हैं क्या? कौन भैया को तो अब नंबर उनका बात ये सवाल सोशल मीडिया पर गूंज रहा है कि अगला नंबर पवन सिंह का ही होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से वो पॉलिटिक्स में आते हैं, राजनीतिक में चुनाव प्रचार में जम के प्रचार करते हैं, आपको क्या लग रहा है कि नंबर है या फिर नहीं है उनका? ना समय से प्रचार कर रहे हैं, हर पोस्ट पे उनका देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो टिकट तो पिछली बार ही उनका हो चुका, इस बार बस नहीं हो पाया, देखिए इस बार हो जाना चाहिए। हम लोग का जहाँ तक बात है तो जनता जनार्दन का जो इच्छा होगा वो होगा, और हम लोग की काम का नेता ये सब अभी भी सेवा कर रहे हैं, अभी मनोरंजन कर रहे हैं, उसमें भी मनोरंजन चलेगा, गाना बजाना तो छूटने वाला है नहीं, और कुछ क्षेत्र का सेवा हो जाए तो उससे बड़ी बात क्या है। आप एक बात बताइए, एकदम सटीक बताइएगा, आप किसको ज्वाइन करने वाले हैं, आपको मौका दिया जाए कि भाई बीजेपी ज्वाइन कीजिएगा, कांग्रेस कीजिएगा कि आरजेडी कीजिएगा कि जेडीयू कीजिएगा, यही बिहार में चल रहा है, क्योंकि बिहार में आप हैं, आप बताइए चारों में किसको ज्वाइन कीजिएगा एक बार में, गोल गोल बातें नहीं। अभी हम जनता जनार्दन जहाँ से कोई निर्वाह से चुनाव, मतलब कुल मिला के ऑडियंस ही डिसाइड करेगा कि किधर से जाना है, बस वो लोग जो कहेंगे वो कर दिया जाएगा, अभी कुछ ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा गाना बाकी सब उनका जो इच्छा होगा जब हो जाएगा। लेकिन बोलबम की बात कर लेते हैं, बोलबम की तैयारी ऑलमोस्ट सभी लोग का गाना आ रहा है, आपका कितना गाना रिलीज होने वाला, एक दो गाना आपका कोको कोला रिलीज हुआ है, और कितने गाने आप रिलीज करने वाले हैं इस बार? क्या कहेंगे जो आपको मोहब्बत देते हैं, और आपकी तरह कहीं ना कहीं गाने बनाने के शायद मगही में आप जिस तरीके से एक नाम किया है, तो उन कलाकारों के लिए या फिर फैंस के लिए आप क्या कहें? सब लोग मेहनत करें, सब लोग आगे बढ़े, और सारे फैंस कभी टावर का गाना आ रहा है, कल भी मेरा गाना 60 मिनट से रिलीज हो रहा है, टावर वीडियो कॉल पर सारी देखावा कहीं से मिले, तो ये गाना कल आएगा 60 मिनट के यूट्यूब चैनल से, और बाकी सब चैनल से आएगा, सब लोग ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दें, हर गाने को जैसे देते हैं और बढ़ चढ़ कर दें, और सब लोग अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और सदा की थैंक यू।